व्हाट्स अप गाइस, वेलकम अगेन इन मशीन लर्निंग सीरीज़। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसका टॉपिक है मल्टीपल फीचर्स। आज से इससे पहले जितने भी लेक्चर्स आए थे, जिसमें हमने फीचर्स की बात करी थी, जैसे हमने हर वीडियो में एक हाउस का प्रेडिक्टेड प्राइस करने के लिए उसके वेस्टर्न फीचर से लिए थे। मतलब कहने के लिए कि हमने हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट किया था उसके फीचर से, जिसमें कि हमने एक फीचर्स लिया था, किसी में दो फीचर लिए थे। तो इधर हम बात करेंगे कि हम जब मल्टीपल फीचर्स लेंगे किसी किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए, तब तो उसका सिनेरियो क्या हो सकता है। तो वही चीज़ हम मल्टीपल फीचर्स में पढ़ेंगे। तो जिसने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3, 2 देख लें, तभी ये मल्टीपल फीचर्स आप पढ़ें। नहीं तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आपने 2, 3, 4 लेक्चर नहीं पढ़े, तो प्लीज़ इसको पढ़ ले, फिर ये लेक्चर नंबर 5 देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं मल्टीपल फीचर्स में, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन जब मल्टीपल फीचर के साथ ऐड होता है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी वेरिएट लीनियर रिग्रेशन, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है, ठीक है। और जो एक्स ऑफ आई जे है, इसको क्या बोलते हैं एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में, एक्स विथ ट्रेनिंग एग्जाम्पल विथ जे फीचर्स, ओके। और ये सिंपली एक्स ऑफ आई है, जो कि ट्रेनिंग एग्जाम्पल है इनपुट। और एम क्या है हमारा, नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल। एंड एम क्या है, नंबर ऑफ फीचर। नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल हो गया कि हम लोग ने 10 हाउसेस लिए हैं, जिसके प्राइस प्रेडिक्ट करने हैं। और एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ़ फीचर्स है कि हम कितने नंबर ऑफ़ फीचर्स लेंगे। लाइक फीचर्स हो सकते हैं कि आपका रूम कितना है, नंबर ऑफ़ रूम कितने हैं, हाउस कितना बड़ा है, कितना ओल्ड है। मतलब कि हमने यहाँ पे मल्टीपल फीचर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ फ़ीचर्स लेंगे, ओके। और हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ये हमारा हाइपोथेसिस फंक्शन होता है। तो इसमें जो थीटा इसमें जो थीटा एन एक्स एन प्लस थीटा एन माइनस वन लिखे, इसमें कि रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ फ़ीचर्स। पिछली वीडियो में हमने खाली एक ही फ़ीचर्स पढ़ा था, तो इसमें हम मल्टीपल फीचर्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी हो गया है, ठीक है। अगर इस सॉरी हाँ इसको अगर हम वेक्टराइजेशन फॉर्म में लिखें, तो इसको हम लिखते हैं थीटा ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आप देख पा रहे हैं, एंड एक्स। ये खाली ओनली वन फीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसको अगर हमें मल्टीपल फीचर्स में लिखना हो, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। आप अगर इस देख पा रहे होंगे कि हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल फीचर्स है। एंड ग्रेडियंट डिसेंट फॉर मल्टीपल फीचर्स क्या होता है, हमने पिछली वीडियोस में ग्रेडियंट डिसेंट्स का फॉर्मूला देखा था। सो जिसने ग्रेडियंट डिसेंट वाला वीडियो नहीं देखा है, तो पहले प्लीज़ उसको रिफ़र कर लो, उसके बाद ये आपको ये फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ओके। और आप इस पर कन्फ्यूज मत होना कि जो इतना बड़ा आपको फॉर्मूला लिख रहा है ना, ये कॉस्ट फंक्शन है, हमने पीछे पढ़ा होगा वीडियो में, तो आप वहाँ से रिफ़र कर सकते हो। तो इसमें गाइस आपको एक गलती नहीं करनी है। इसमें क्या होता है कि जो हम थीटा की वैल्यू को अपडेट करते हैं, वो एक साथ करते हैं, क्योंकि जब थीटा वन हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें जो थीटा जीरो होता है, उसकी ओल्ड वैल्यू होती है, ठीक है गाइस। तो इसको एक साथ अपडेट करते हैं थीटास को, ठीक है। और उसको अगर हमें वेक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना हो, तो हम ऐसे लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा अपॉन एम इंटू थीटा इंटू एक्स माइनस वाई, और ये स्टार्स हैं। अब गाइस ये स्टार्स हैं जो हमने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा मैटलैब उसमें यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि हर एक, जैसे कोई फर्स्ट मैट्रिक्स है और सेकंड मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट इंटू हो रहा है सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट से, मतलब इसमें ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। और गाइस ये आप नोट कर लो कि इसमें क्या होता है कि वी नीड टू ऐड अ कॉलम ऑफ वन फॉर एक्स ऑफ जीरो एंड मैट्रिक्स। मतलब आप हर जगह वन इसमें ऐड करोगे कॉलम में, कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो वन ऐड करोगे आप, ठीक है। ये मल्टीपल फीचर्स था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये मशीन लर्निंग की सीरीज समझ में आ रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड अगर कोई गलती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट के द्वारा बताओ कि मैं ये मिस्टेक को सुधार सकूं और आने वाली वीडियोस काफ़ी अच्छी हों, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब चैनल है।
सो प्लीज़ सपोर्ट करो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस.